जो सरक सरक के चले उसे सरकार कहते हैं, जो जनता की न सुने उसे बिहार कहते हैं, जो पलट पलट के पलटे उसे नीतीश कुमार कहते हैं, और जो सबको पलट के पलटे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। लोगों का नजरिया है, उसका सम्मान है, डेमोक्रेसी है। अगर लोग ऐसा समझते हैं तो मुझे अपने आचार विचार व्यवहार काम में और बेहतरी करने की जरूरत है। ये आरजेडी के एक लीडर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पलटी मारना तो प्रशांत किशोर ने सिखाया। पलटी मारना मैंने नहीं सिखाया, मैंने तो आरजेडी के साथ उनको एक साथ करके 15 में चुनाव जिताने में मदद करी। पर ये पलटी मार वाली जो बात शुरू हुई है तो 2017 से शुरू हुई है, तब मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं था, वो खुद से छोड़कर गए हैं। जितने अगर नीतीश कुमार बड़े पलटी मार हैं तो मोदी जी और अमित शाह भी कम पलटी मार नहीं। अभी 2 महीना पहले जाकर अमित शाह भाषण देकर आए हैं बिहार में बिना पूछे हुए, तब वहाँ कोई रजत शर्मा नहीं थे, खुद से स्टेज पर खड़ा होकर कहा बिहार के एक एक आदमी सुन लो, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। तो हम एक जोक हमें भी लोगों ने भेजा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया था, सिर्फ चिटकिनी लगाना भूल गए थे। इसलिए नीतीश कुमार फिर वापस आ गए। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार है, आपको याद होगा जब वाजपेयी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार रेलवे मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद पद से इस्तीफा दे दिया। जिस नीतीश कुमार का मैं आज विरोध कर रहा हूँ वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना काल में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, जो आज शराब जहरीली शराब से 100 लोग की मृत्यु होती है तो हंसकर कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, ये फकीरी है। जो जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसका उसके बारे में एक बिहार में समझ थी कि ये आदमी सुशासन के लिए गवर्नेंस के लिए जाना जाता है, ये बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जिनके राज को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। और सबसे बड़ी बात देखिए, कई बार जब ये लोग सवाल पूछते हैं, अरे भाई आप तो 5 साल पहले नीतीश के, आपने 10 साल पहले मदद की थी, लोकतंत्र आपको क्या बताता है? आप जिस नेता का दल का भी मदद करना चाहते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, जिस पर भी विश्वास है, वो आप उनकी मदद कीजिए, उनको वोट कीजिए। लेकिन वो भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। जब उनका काम अच्छा लगा उनके साथ खड़े हुए, जब उनका काम अच्छा नहीं लगा तो वही लोकतंत्र और संविधान मुझे ये जिम्मेवारी देता है, बताता है कि नागरिक होने के नाते आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका उसी मजबूती से विरोध भी करें। आई एम सॉरी बाबू। किसी के मन में ये संशय हो नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वाह खराब हो जाएगा, मैं वाह अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं।